feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Hello, good morning friends. Welcome back to my new vlog. Kaise ho aap sab? I hope you are well. अभी देखिए आज है मॉर्निंग का टाइम, तो आज ना मैं यहाँ पर बना रही हूँ प्रसाद बना रही हूँ, भोग लगाना है क्योंकि आज जो चंगाठी होती है ना लगाने के लिए दरवाजे और बारियों की, सब चंगाठी हो गई हैं, वो आ चुकी हैं सब, आज उन्होंने वो लगानी है, तो उसके लिए मीठा प्रसाद बनाना था, तो सब बोल रहे थे तो मैं उनके लिए प्रसाद बना रही हूँ। तो प्रसाद मैंने थोड़ा सी सूजी डाली है और एक बाउल मैंने आटा डालकर बनाना शुरू कर दिया है, और चंगाठी सब बाहर पड़ी हुई है, मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर पानी भी गर्म रखा है साथ में डालने के लिए, दूध बॉयल हो रहा है। तभी हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, सुबह सुबह ही हमें बनाने लग गए, और बहुत आवाज़ आ रही होगी, मेरी आवाज़ तो मुझे लगता सुनाई भी नहीं देगी। तो आज देखिए मैंने दुपट्टा ले रखा है ये वाला, चलो मैं जल्दी से बना लेती हूँ। देखिए बस फ्रेंड प्रसाद बन चुका है, तो अभी मुझे इसको हॉट केस में निकाल देती हूँ। सबको नाश्ता दे दिया है, मेरी रोटी है और सब्जी है, साथ में तो मैंने थोड़ा सा प्रसाद लिया है, मेरे लिए इतना ही सही बचा है, सबके बाउल भर भर के खा लिया है। तो देखिए नवी शुरुआत हो चुकी है, ऊपर बहुत बारिश थी इसलिए वीडियो नहीं शूट की, अभी मैं शाम को आपको शूट करके दिखाऊँगी कि चंगाठी कैसी लग रही है, तब मैं खाना खा लेती हूँ। देखिए नाश्ता पानी करने के बाद मैं किचन में आ चुकी हूँ, किचन को एक बार क्लीन कर लेती हूँ सुबह के टाइम की, थोड़ा सा काम करो, ज़्यादा भी नहीं है आज मेरा। अभी देखिए फ्रेंड्स किचन क्लीन कर रही हूँ ब्रेकफास्ट के बाद, मॉर्निंग टाइम की भी बहुत काम हो जाता है, किचन अच्छे से क्लीन होना तो सारा घर ही क्लीन लगता है। तो आज काफ़ी लेट हो गया सारा मेरा, तो आज सहज भी घर पर है, सैटरडे उसको ऑफ होता है फ्रेंड्स। तो आज सुबह सुबह प्रसाद बनाना पड़ा क्योंकि चंगाठी लगानी थी, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था पहले से, तो थोड़ा ब्रेकफास्ट आज लेट हो चुका है, तो मैं किचन को कर रही हूँ मॉर्निंग टाइम की क्लीनिंग जो ब्रेकफास्ट के बाद करती हूँ। ये तो रोज़ का काम है ना, रोज़ ही क्लीन करनी पड़ती है, ऊपर से मेरी किचन बिल्कुल वाइट है, और भी अच्छे से क्लीन करनी पड़ती है क्योंकि कहीं भी हाथ लग जाए ना उसके दाग धब्बे लग जाते हैं। और मैं कर रही हूँ सिंक को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलते हैं बेडरूम में जाकर। किचन बिल्कुल क्लीन हो चुका है सुबह के टाइम का, तो अभी मैं ना जाने वाली हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पानी है अभी क्योंकि यहाँ पर आलू चल रहा है, अब मैं जाऊँगी बेडरूम में। यहाँ पर भी थोड़ा सा मुझे ठीक करना है, लेकिन काफ़ी ठीक है। बेडरूम देखिए, बेडरूम की फ्रेंड्स क्या हालत है, अभी तक ना आज सहज घर पर था, वो सो रखा था तो बिल्कुल भी कुछ नहीं उठाया, तो अभी तक देखिए ऐसे ही पड़ा हुआ, सब बिखरा पड़ा है, तो मैं बेडरूम ठीक कर लेती हूँ। सब ऐसे ही भले पड़े हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा मैं लेट हो गई काम में, क्योंकि अगर काम आपके अकॉर्डिंग ना चले ना, इधर उधर हो जाए तो सब लेट हो जाता है। देखिए अभी जो उड़ने वाले कपड़े हैं ना, अभी तक बेड पे पड़े हुए हैं, बहुत गर्मी लगी मुझे, तो यहाँ पर मैंने एसी थोड़ा ऑन कर लिया है क्योंकि बहुत गर्मी हो गई थी। किचन में काम कर आई पहले, सब ब्रेकफास्ट बना, थोड़ी सी गर्मी लगी बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा एसी ऑन कर दूँगी, थोड़ा रूम ना कूल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो उड़ने वाले सब कपड़े हैं, क्योंकि एसी चलता है रात को, थोड़ी सी ना ऐसे हैवी वाले कपड़े होते हैं, ब्लैंकेट होते हैं, एसी ब्लैंकेट, और ये होते हैं कुछ हमारे इसको ना पंजाबी में खेस बोलते हैं, ये सब उड़ने वाले कपड़े मैं को इसको फोल्ड कर लेती हूँ और रख लेती हूँ। आज मुझे बेडशीट भी अच्छे से चेंज करनी है क्योंकि दो दिन के बाद ही ना बेडशीट चेंज करनी पड़ती है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। घर पर काम चलाना ऐसे चलता हो ना कंस्ट्रक्शन का, तो बहुत ज़्यादा घर गंदा होता है, इतनी ज़्यादा क्लीनिंग करनी पड़ती है ना, पूरा दिन रात क्लीनिंग में निकलता है। सुबह से उठूँ अगर कहीं पर भी गंदा लगता है तो मैं क्लीनिंग करनी शुरू कर देती हूँ, क्या करूँ घर में रह रहे हैं ना तो बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो देखिए बेडशीट को चेंज करती हूँ और पहले इसको अच्छे से हम लोग कर लेते हैं साफ़। देखिए कितनी भी डस्टिंग करती हूँ फिर भी रोज़ हो ही जाती है ना,
तो रोज़ रोज़ मेरी ना कई बार दो टाइम भी मैं ऐसे क्लीन करती हूँ, लेकिन बेडरूम की ना दो दिन से क्लीनिंग नहीं हो पा रही थी और ही बहुत ज़्यादा काम हो रहे थे मुझे, क्योंकि हस्बैंड भी अभी इतने ज़्यादा ठीक नहीं है, उनके काम भी मुझे करने पड़ते हैं कुछ बाहर के, तो इसलिए बहुत ज़्यादा काम बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए बेडरूम को अच्छे से कर रही हूँ, बेड को क्लीन। इसके गद्दे के ऊपर भी ना मैं कपड़ा लगा देती हूँ, जो भी ना पार्टिकल्स होते हैं जैसे डस्ट के सब निकल जाते हैं। तब नीचे मैं एक दो बेडशीट बिछाती हूँ, देखिए दोनों बेडशीट मैंने बिछा दी नीचे और ऊपर। अब यहाँ पर पिल्लो वगैरह सेट कर दिए हैं, लाइट कलर की पिंक कलर की मैंने बिछाई है प्याज बेडशीट। और यहाँ पर जो ये वाला एक बॉक्स होता है, यहाँ पर सब रिमोट्स और चार्जर्स होते हैं, इसको सबको सेट कर रही हूँ। सब ऐसे ना बिखार देते हैं, क्या करते हैं सब जहाँ दिल करते हैं सबको रख देते हैं और वहाँ पर ही छोड़ देते हैं, बिल्कुल भी ना कोई ऑर्गेनाइज कर नहीं करता अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो बहुत हौश पौश हो जाता है, यहाँ पर ना जो पानी पीता है कोई यहाँ पर रख देता है मेडिसिन। एक महीने से हमारे घर पर इतनी ज़्यादा मेडिसिन आ रही है ना, सब मेडिसिन, तो सबको मैं यहाँ पर कर देती हूँ अब क्लीन। फिर आपसे मिलते हैं। साथ में यहाँ पर ना मैं वीडियो चला रही हूँ मोबाइल पर किसी फ्रेंड की, तो मेरा बेटा ना मेरी वीडियो बना रहा था, कहता पहले आप एक काम कर लो, दो दो काम तीन तीन काम एक साथ क्यों करते हो, बर्डन हो जाएगा आपको बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए मैंने झाड़ू लगा लिया, टेबल को इधर खिसका दिया क्योंकि मैं यहाँ पर पोछा लगाने लगी हूँ, तो मैंने सोचा अच्छे से लग जाएगा, फिर टेबल को यहाँ पर सेट करेंगे, क्योंकि टेबल को यहाँ पर सेट कर रखा है वहाँ पर बिल्कुल भी हवा नहीं लगती तो बहुत गर्मी हो जाती है। इससे पोछा लगा रही हूँ मॉप से, लेकिन अच्छे से लग नहीं रहा क्योंकि पोछा छोटा है और मॉपर जो है ना वो काफ़ी बड़ा है। तो मैं इसको सोच रही हाथों से लगा लेती हूँ एक बार, क्योंकि वैसे तो आंटी पोछा लगाते हैं, लेकिन आज मैं क्लीनिंग की है रूम की तो मैंने सोचा एक बार मैं खुद लगा लेती हूँ। इससे क्या होगा, रूम ना बिल्कुल भी साफ रहेगा और नीट रहेगा। बेड के नीचे इसके साथ लगा लिया, लेकिन अब मैं हाथ से लगा लूँ, डबल टाइम टू टू टाइम लगा लूँगी ना, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो पोछा हाथ से लगाओ ना और भी ज़्यादा साफ लगता है, लेकिन मुझे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, पैरों में ना स्वेलिंग हो जाती है जब भी मैं बैठ कर ऐसे पोछा लगाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बेडरूम बिल्कुल क्लीन कर दिया मैंने, बेडशीट भी चेंज कर दी है यहाँ पर, और इधर देखिए यहाँ पर भी मनी प्लांट एक है ना यहाँ पर ले आई हूँ। ड्राइंग रूम में जो रखा हुआ था ना यहाँ पर रख दिया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर डस्ट हो रही थी तो मैंने देखिए फ्रेंड्स क्लीन कर दिया है, सब कुछ बिल्कुल क्लीन है और पोछा भी लगा दिया है। इस साइड भी देखिए, और सहज यहाँ पर बैठ कर पढ़ रहा है, तो उसका होमवर्क चल रहा है, सैटरडे है आज, सैटरडे को उसको ऑफ होता है। और देखिए बिल्कुल क्लीन है, यहाँ पर इसका बैग पड़ा हुआ है, बाकी मैंने सब क्लीन कर दिया, बहुत टाइम लग गया मुझे पोछा लगाते लगाते। और यहाँ पर देखिए ड्रेसिंग टेबल भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, बहुत डस्ट आ रही है ना घर पर काम होने के कारण, इस कॉर्नर को भी क्लीन किया, सब कुछ क्लीन हो चुका है। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सब क्लीन हो गया है। अभी देखिए फ्रेंड्स लंच का टाइम होने वाला है, तो मैं लंच में देखते हैं क्या बनाते हैं। सुबह से सब मेरे काम, बेडरूम बिल्कुल क्लीन हो चुका है सब कुछ, तो चलो बने रहिए आप इसी तरह मेरे व्लॉग में। आज लंच में मैंने बनाई है कद्दू की सब्जी, देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा पानी इसको सुखा लेती हूँ, और साथ में यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटियाँ और खा लेते हैं लंच, फिर आपसे मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ वाले चंगाठी ना यहाँ पर पड़ी हुई है, कभी बारिश हो जाती है कभी चली ख़त्म हो जाती है, देखिए कितना गंदा रखा है। इधर भी यार कुछ ऊपर ले गए हैं, ऊपर ले गए रस्सी से ना ऊपर लेकर जाते हैं, जो जो लगानी होती है ना वो लेकर चले जाते हैं, बाकी यहाँ पर पड़ी हुई है सब, देख लीजिए आप। तो अभी देखिए, तो हमने यहाँ पर ना मौली भी बांध दी थी, कहते हैं ना शगुन होता है, तो आप देखिए प्रसाद भी बनाया था ना तो मौली बांध दी थी। बदल जैसे हो रखे हुए हैं, बार बार बारिश ऐसी आ रही है जा रही है, बार बार ऐसे ही हो रहा है। देखिए मैंने नहा के कपड़े चेंज कर लिए हैं, बड़ा सूट पहन रखा है। अब देखिए फ्रेंड्स शाम का टाइम होगा 5 बजे का, और मुझे कपड़े वॉश करने हैं। कपड़े मेरे ना आजकल ना रात शाम को ही धुल रहे हैं, क्योंकि सुबह धो लो ना तो बिल्कुल भी ना उसके ऊपर बहुत डस्ट पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए मैं शाम को धो रही हूँ, लेकिन कुछ कपड़े थे जो मुझे हाथ से धोने थे, जैसे सहज की यूनिफॉर्म होती है बहुत ज़्यादा गंदी होती है, लाइट कलर की है ना, तो मैं ना आज ही सिंक को मैं ही धोने जा रही हूँ। सिंक को मैंने पहले अच्छे से साफ़ किया है साबुन से, क्योंकि मेरे पैर में ना स्वेलिंग हो गया है, मैंने बैठ कर पोछा लगाया था, पैरों में स्वेलिंग हो गया
एंकल में, तो बहुत पेन हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर खड़ी होकर ही ना वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सहज की यूनिफॉर्म और हस्बैंड की ना कुछ शर्टें होती हैं जिसको हैंड वॉश करनी होती है, और साथ में जो वाइट कपड़े हैं ना उनको मैंने नील वगैरह लगाना है, सबको यहाँ पर रख रखा है। अब सब वॉश कर लेती हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छे से वॉश हो रही थी, मैं सोच रही थी यहाँ पर बहुत बेस्ट है, जिस दिन मेरे ना एंकल में ज़्यादा स्वेलिंग होती है यहाँ पर मैं वॉश कर सकती हूँ। तो आज मैंने पहले दिन ऐसे ही सिंक में कपड़े वॉश किए हैं, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप बताना कभी आप लोगों ने सिंक में ऐसे कपड़े वॉश किए हैं। मैंने अच्छे से पहले बहुत अच्छे से साफ़ किए, क्योंकि बर्तन धुलते हैं तो फिर उनके ना हो जाते हैं ना ठंडाई लगी होती है। पर देखिए मैं आपको यहाँ पर अपना फेस दिखा रही हूँ, और देखिए सॉक्स बहुत गंदी होती है। अगर सहज की ना बेटे की सॉक्स थोड़ी सी भी गंदी हो ना तो बिल्कुल नहीं पहनता। तो इसको मैं बहुत ना बार अच्छे से साफ़ करती हूँ, तो बहुत लाइट कलर की है, ऊपर से बारिश का मौसम है तो बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे हो रखे हैं। यहाँ पर देखिए वाइट कपड़े मैं सब निकाल रही हूँ, इनको बाद में मैंने ना नील लगाऊंगी। आजकल ना इतना ज़्यादा मॉइस्चराइज हैं, और पता नहीं मौसम ऐसा होता है इस मौसम में जो वाइट कपड़े होते हैं ना पीले पड़ जाते हैं थोड़े से। तो इस मौसम में मैं नील लगाती हूँ। वैसे मेरे हस्बैंड ना नील वाले कपड़े जिनको नील लगाते हैं ना पहनते नहीं, उनको पसंद नहीं है बिल्कुल भी। वो कहते हैं कपड़े ख़राब हो जाते हैं ऐसे, उनको बिल्कुल वाइट वाले कपड़े चाहिए। तो आज लेकिन मैं लगा दूँगी, एक दो दिन फिर बाद में लगाऊंगी नहीं ना उनकी सब बनाइंस वगैरह जो होते हैं सब उनमें, तो फिर ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा नील डालूंगी मैं वाला उजाले वाला, हाथों में बहुत चिपकता है फ्रेंड्स, देखिए मेरे हाथों में लग भी गया है। अब सब देखिए मैं यहाँ पर इनको वॉश कर लेती हूँ, और फिर आपसे मिलते हैं। इसी तरह बने रहिए, देखिए सुबह से लेकर शाम तक ना ऐसे ही काम चलते हैं हाउस वाइफ का। तो ना मुझे लगता है मैंने दोबारा से कपड़े देखिए नहाकर पहने हैं, लेकिन ये भी अब देखिए स्वेटिंग मुझे इतनी ज़्यादा हो रही थी ना इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा। अब मशीन में डाल देती हूँ और इसको स्पिन कर देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स अभी बर्तन मेरे सब लगाने वाले हैं, इतने ज़्यादा बर्तन हैं यहाँ पर भी है, एक टोकरी बाहर भी पड़ी हुई है। अब मैं सब बर्तन लगा लेती हूँ और बॉटल सब भर लेती हूँ। किचन भी देखिए कैसे हॉश पॉश हो जाते हैं ना जब घर पर काम चलता है ना, बहुत बुरी हालत हो रहती है घर की। कपड़े देखिए आज मैंने नए स्टाइल में धोए, सिंक में धो दिए कपड़े, आपके साथ शेयर किए ना। किचन समेट लेती हूँ फिर आपसे मिलते हैं, बने रहिए आप इसी तरह। देखिए कैसे मेरे पसीना पसीना हो रखा है, स्वेटिंग स्वेटिंग। हाउस वाइफ का तो सारा दिन ऐसे निकलता है, पूरा दिन काम और पसीना, तो हाथों में नील लग चुका है बुरी तरह मेरे। चलो मैं बर्तन लगा लेती हूँ फिर आपसे मिलते हैं अभी। फ्रेंड्स सारा किचन मैंने बर्तन लगा दिया, आटा बनाकर हाफ रख लिया है, थोड़ी देर बाद ना 5-10 मिनट के बाद मैं इसमें निकाल कर रख दूंगी। किचन पानी में मैंने सब भर दिया है, और एक गिलास यहाँ पर होता है जिसमें मैं पानी पीती रहती हूँ। और देखिए कपड़े मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं पूरे कपड़े कपड़े, आज अंदर कपड़े कपड़े हो गए मेरे पूरे कपड़े यहाँ पर, कपड़े सूख ही नहीं रहे, बहुत ज़्यादा कपड़े हो रखे हैं। तो बेडरूम तो मैंने सुबह सुबह क्लीन किया था, कपड़े देखिए यहाँ पर भी आ चुके हैं। सारा दिन ऐसे ही रहता है, कितना भी समेटो फिर भी ऐसे ही रहता है। अभी मुझे वाटर कूलर वॉश करके रखना है, और बाहर देखिए बाहर भी कितने कपड़े हैं, और फिर से मशीन लगी हुई है यहाँ पर। सब बर्तन वगैरह सब हो चुके हैं मेरे, शाम के टाइम का सारा काम हो गया मेरा। अभी देखिए फ्रेंड्स सारा काम हो चुका है आज, मैंने कितना ज़्यादा क्लीनिंग भी निकल जाता है, और खाना सब कुछ ऐसे निकल जाता है। तो अभी देखिए अभी नाइट का अभी डिनर मेरा प्रिपेयर करने वाला पड़ा हुआ है, आटा मैंने बना कर रख लिया। मेरे सब पास ना कद्दू की सब्ज़ी है, कद्दू की सब्ज़ी मैंने दोपहर को बनाई थी, कद्दू की सब्ज़ी है। तो देखते हैं अगर सब वही खा लेंगे और साथ में कोई दाल बना लेते हैं। 7 o'clock हो चुके हैं, 7 बज चुके हैं, टाइम होने वाला है, बस 1 आवर रह गया, 8 बजे हम लोग खाना खाते हैं। तो डिनर प्रिपेयर करना है मुझे अभी जल्दी से। देखिए मेरे सारे कपड़े भीग गए हैं, तो स्वेटिंग के कारण बहुत कपड़े भीग जाते हैं, और इतने कपड़े हो रखे हैं, इतने कपड़े हो रखे हैं, क्योंकि बेटा भी स्कूल जा रहा है, हस्बैंड भी जा रहे हैं। आज मैंने ना बिंदी लगाई थी, लेकिन देखिए स्वेटिंग के चक्कर में मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है फ्रेंड्स। परमदीप भी हैं, इनको 3 इंजेक्शन फ्रेंड्स लग चुके हैं, हाँ अभी 2 ही लेफ्ट रह गए हैं, लेकिन काफ़ी ठीक हो रहे हैं अभी, कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। और आप सब ने ऐसे पूछा तो बहुत अच्छा लगा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स इस व्लॉग का हम यहाँ पर ही एंड करते हैं, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए फ्रेंड्स ओके टिल देन एंड बाय बाय। Bye bye friends. Bye bye.